मचाई। रिमाल बंगाल के तट पर 120 किलोमीटर की गति से टकराया और इससे मची तबाही में 7 लोगों की जान गई। बंगाल से बांग्लादेश तक इसने भयंकर तबाही मचाई और बंगाल में कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए, जबरदस्त बारिश भी हुई। एक किलोमीटर की रफ्तार से आए बवंडर ने बंगाल से बांग्लादेश तक तबाही मचा दी। समंदर में उठे इस तूफान की पहली डरावनी तस्वीर जिसने भी देखी उससे अंदाजा हो गया था कि रिमाल अपने साथ कितनी बर्बादी लाने वाला है। तैयारी पूरी थी लेकिन जब कुदरत हमला करती है तो उससे बचना मुश्किल होता है। ठीक ऐसा ही हुआ जब रिमाल पूरी ताकत के साथ बंगाल के तटों से टकराया। सावधान सावधान सावधान, ये जानकारी आपको भारतीय तटरक्षक की तरफ से दी जा रही है। समुद्र में तूफान आ रहा है, आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं। सावधान सावधान सावधान। 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए तूफान ने कई घरों की छत को उड़ा दिया। एक झटके में सैकड़ों पेड़ उखड़ गए, दीवारें ढह गईं और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। कोलकाता में पुरानी बिल्डिंग की बाउंड्री वॉल गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। तूफान के साथ आई बारिश ने पूरे शहर को पानी में डुबो दिया। इन इलाकों में पहले ही मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया था और 1,00,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया था। चक्रवाती तूफान रिमाल के बांग्लादेश के तटीय इलाकों में पहुंचने के बाद कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और लाखों लोगों को बिना बिजली के रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। रिमाल के तट से टकराने पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने लगी और सैकड़ों गांव में पानी भर गया। वन डेथ हैज टेकन प्लेस इन कोलकाता ड्यू टू वॉल कोलैप्स एंड देयर हैव बीन अपरूटिंग ऑफ ट्रीज ड्यू टू रेन्स एंड हैवी विंड्स एंड दैट रेस्टोरेशन वर्क इज अंडर प्रोग्रेस। एनडीआरएफ टीम्स आर डिप्लॉयड, 14 टीम्स आर डिप्लॉयड इन मेजर अफेक्टेड एरियाज। बंगाल के दीघा में भी डरावनी लहरें दिखाई थी। जैसे ही चक्रवात रिमाल आया, बारिश की मोटी चादर से समुद्र तट धुंधला हो गया। पानी का तेज बहाव मछली पकड़ने वाली नौकाओं को अंदर तक बहा ले गया। निचले इलाकों में मिट्टी और फूस के घरों को तबाह कर दिया और खेतों में पानी भर गए। हावड़ा में तो तूफान का खौफ ऐसा था कि वहां रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के पहियों को चेन से बांध दिया गया था। रेलवे अधिकारियों को आशंका थी कि 135 किलोमीटर की रफ्तार से आए तूफान कोच को भी डीरेल कर सकता है। रिमाल को लेकर मौसम विभाग ने एक और अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट बिहार को लेकर जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के आधा दर्जन जिलों में रिमाल का असर देखा जा सकता है। मौसम विभाग का दावा है कि बिहार में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बंगाल और बांग्लादेश में कहर बरपाने के बाद तूफान का रुख असम की तरफ है और वहां हाई अलर्ट पर है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।